हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CRSU यूनिवर्सिटी जींद, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद हरियाणा के इस चैनल पर। तो आज की हमारी इन्फॉर्मेशन है भाई, जो आपके छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप के फॉर्म आपके हर छात्रवृत्ति जो उसकी लास्ट डेट है वो नज़दीक आ चुकी है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। जिन बच्चों के जो ऐसी कैंडिडेट हैं भाई, ठीक है, आपकी स्कॉलरशिप के फॉर्म जो कि डेट है और लास्ट डेट आ चुकी है भाई, आपकी 30 तारीख लास्ट डेट है, तो इससे पहले पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो आज की हमारी इन्फॉर्मेशन ये है, आपके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। कई बच्चों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट के बारे में बताओ, डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे भाई, ठीक है, जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है, और वहाँ पे कॉलेज में आपको जमा करवाने हैं तो कौन कौन से जमा वहाँ पे जमा होंगे और कौन कौन से फॉर्म आपको कैसे अप्लाई जब करवाओगे आप, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के लिए, ठीक है, तो आपको बताता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो लगेंगे भाई इसमें। देखो, जो हर छात्रवृत्ति जो ऐसे कैंडिडेट हैं उनके लिए ये फॉर्म लेकरते हैं भाई, ठीक है, जो स्कॉलरशिप के फॉर्म आपके, और इसके लिए बस सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। इसमें क्या लगेगी आपकी, आधार कार्ड की कॉपी। फॉर्म कौन से है भाई, ये हर छात्रवृत्ति, ठीक है, हर छात्रवृत्ति ये फॉर्म है आपके, ठीक है, जो ऐसे कैंडिडेट बच्चे होते हैं उनके लिए ये। उसके बाद है आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए, इसके बाद आपका एप्लीकेशन आपके सिग्नेचर होने चाहिए भाई, ठीक है, सिग्नेचर ले, ठीक है। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, ये बन लीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक बनवा लीजिए भाई, ठीक है। उसके बाद आपका अगला पांचवा फॉर्म आता है आपका डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल हरियाणा डोमिसाइल आपके रेजिडेंट, ठीक है, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका SC जो आप है उसका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपकी यहाँ पर दो चीज़ दिखा रखी हैं, एक तो 10वीं और +2 की जो आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, जो फर्स्ट ईयर में भी जिन बच्चों ने अभी एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में +2 के बाद, तो आपकी 10वीं +2 के, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन करने के बाद लिया तो वह ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है। उसके बाद है आपका फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, परिवार पहचान पत्र में आपका कोई भी नाम डेट ऑफ बर्थ कोई गलत है तो आपको इसे ठीक करा लीजिए, ठीक है, यानी आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, ठीक है, आपका नाम है डेट ऑफ बर्थ है तो आप ठीक करा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना आपने, ठीक है, हर छात्रवृत्ति वाला, नहीं तो पेंडिंग में दिखा देगा ये। उसके बाद आपकी फीस रेप से, जो आपका फीस स्लिप जो आपकी जो आपने फीस स्लिप ये जो आपने एडमिशन लिया हुआ जो फीस स्लिप आपकी जो कटी थी, ठीक है, वो उस फीस स्लिप की एक फोटोकॉपी होनी चाहिए, वो अपलोड होगी इस पर। उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर जो स्टेंट है लास्ट एग्जाम, वो आपको +2 की मार्कशीट लगेगी इसमें। तो उसके बाद है आपका BPL हो तो लगा देना भाई, आपका राशन कार्ड है तो लगा देना, है नहीं है ये। उसके बाद आपका फादर डेथ है तो लगा देना भाई, है तो, नहीं तो है तो। उसके बाद आपका बैंक कॉपी आधार कार्ड लिंक, ठीक है, बैंक कॉपी यहाँ पे क्या देखा, बैंक कॉपी मतलब जो आपकी खाता है, खाता नंबर आपका वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, उसकी एक फ़ोटो कॉपी चाहिए भाई, वो भी अपलोड होगी इसमें, ठीक है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट है जो आपके लगेंगे भाई, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट रहे तो हमारे पास आप कमेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है, या हमारे से आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। हर छात्रवृत्ति की अभी लास्ट डेट है 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट है भाई। जिन बच्चों ने अभी तो फॉर्म अप्लाई नहीं किया, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए भाई। जिन बच्चों ने प्लस टू के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया कॉलेज में या CRSU यूनिवर्सिटी में लिया है फर्स्ट ईयर में, तो भाई आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और आपका फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना हो, उस फॉर्म एक स्लिप आपको प्रिंट आउट मिलेगा, प्रिंट आउट के साथ यही डॉक्यूमेंट आपको लेके, यही जो सब डॉक्यूमेंट आपको बताइए मैं अटैच करके आपने जो कॉलेज में जमा करवा दीजिए, ठीक है। ये आपके स्कॉलरशिप के बारे में बाहर छात्रवृत्ति वाले, ठीक है। तो इसके अलावा कोई डाउट रहे तो हमारे पास आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि CRSU यूनिवर्सिटी जींद, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद हरियाणा, इससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।